गुड मॉर्निंग एवरी वन टूडे वी आर स्टार्टिंग विदिक चार्ट रिविजन फॉर रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम ऑन एंड ऑफ आपको इस चैप्टर से क्वेश्चन मिल ही जाते हैं अपने एग्जाम में बट क्योंकि इस बार अमेंडमेंट आई है तो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये चैप्टर ठीक है चलिए शुरू करते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस फर्स्ट विल टॉक अबाउट रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अमंग ऑल रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर इंडिविजुअल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें ही कुछ बातें होती हैं जो करने लायक हैं बाकी रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी पार्टनरशिप फर्म एओपी बीवाई तो बहुत छोटे छोटे से प्रोविजन हैं वहां पर कमिंग बैक रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल क्या कहते हैं कि इंडिविजुअल कैसे पता चलेगा कि वेदर दैट पर्सन इज अ रेसिडेंट और ही इज अ नॉन रेसिडेंट तो उसके लिए आपको एक दो बेसिक कंडीशंस चेक करनी होंगी बेसिक कंडीशंस क्या कहती हैं अगर आपका स्टे प्रीवियस ईयर में वन एट्टी टू डेज और मोर है ठीक है इन इंडिया वन एट्टी टू डेज अगर कोई भी व्यक्ति बींग एन इंडिविजुअल इंडिया में रहता है ठीक है अब 182 एटी टू डेज ऐसा नहीं है वो कंटिन्यूसली 182 एटी डेज रहे आता है इंडिया चला जाता है फिर आता है फिर चले जाते हैं तो हम उनके नंबर ऑफ स्टे काउंट करेंगे कि इंडिया में कितने दिन बने यू नो डेट ऑफ भी काउंट होता है और डेट ऑफ डिपार्चर भी काउंट होता है जिस दिन वो इंडिया में आए उसको भी आप काउंट करेंगे जिस दिन वो इंडिया से गए उस दिन भी आप उसको काउंट करेंगे ठीक है किसी भी एक प्लेस पे रहना जरूरी नहीं है ऑल ओवर इंडिया आप कहीं पर भी रह सकते हैं तो अगर हमारा स्टे वन एस ठीक है कुछ स्टूडेंट्स यहां पर गलती कर देते हैं वो 180 समझ लेते हैं क्योंकि हमारा जो पीजीबीपी का डेप्रीसिएशन है वहाँ पर हम 180 डेज देखते हैं तो यहां पर भी कुछ स्टूडेंट्स गलती से 180 कर देते हैं प्लीज ध्यान रखिएगा इट इज 182 एट्टी टू वन एटी टू को ऐसे समझ सकते हैं कि थ्री सिक्सटी फाइव डेज होते हैं इन द ईयर डिवाइड बाई टू करेंगे तो वन एट्टी टू पॉइंट फाइव आ जाता है तो इस तरीके से आप वन एटी टू याद कर सकते हैं तो प्रीवियस ईयर में अगर 182 टू डेज और मोर इंडिया में है तो रेसिडेंट कहलाया जाता है कोई भी इंडिविजुअल या फिर अगर वो 182 टू डेज नहीं है बट कम से कम 60 डेज है ठीक है इनफैक्ट अगर वो 60 डेज भी है इंडिया में ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर जिस प्रीवियस ईयर के लिए आप रेसिडेंशियल स्टेटस को डिटरमाइन कर रहे हैं उस ईयर के लिए तो हम लोग जनरली कर रहे हैं प्रीवियस ईयर ट्वेंटी के लिए तो क्या हमारा 2021 में स्टे 182 डेज का है या उससे ज्यादा का है तो भी हम रेसिडेंट हैं या फिर 60 डेज का है प्लस 60 डेज के साथ साथ प्लस लगा हुआ है साथ में 365 डेज भी देखना पड़ेगा इन द फोर प्रीसीडिंग ईयर्स फोर प्रीसीडिंग ईयर्स मतलब हम लोग प्रीवियस ईयर 2021 के बारे में बातें कर रहे हैं तो इस ईयर में 60 डेज देखिएगा और इससे पहले जो चार साल हैं इसके पहले जो चार साल हैं यू हैव टू कैलकुलेट थ्री डेज ठीक है दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो विल से दैट द असेसी इज अ वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, है तो उसके बारे में, भी हमें देखनी होती है. उससे पहले में एक इंपॉर्टेंट बात आपसे डिस्कस करना चाहूंगा वैसे तो हमारी बेसिक कंडीशंस दो हैं प्रीवियस ईयर में 182 डेज हो या फिर प्रीवियस ईयर में 60 प्लस लास्ट फोर ईयर में 365 बट कुछ असएसी के लिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ 182 डेज की कंडीशंस देखते हैं वहां पर ये 60 नहीं देखा जाता 60 की जगह 182 देखा जाता है 182 का मतलब हम ऊपर वाली ही कंडीशन कह सकते हैं कि उन लोगों के लिए सिर्फ 182 डेज की कंडीशंस देखी जाती है अगर वो लोग 182 डेज से कम है इंडिया में लेट्स से 181 या उससे भी कम है तो वो नॉन रेसिडेंट कहलाते हैं ऐसे तीन केसेस कौन कौन से हैं इंडियन सिटीजन अगर इंडिया छोड़कर जा रहा है फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड का यहां पर मतलब है कि अगर उसकी जॉब इंडिया के बाहर लग जाती है लेट्स से ही इज वर्किंग इन दुबई ही इज इज वर्किंग ही गोइंग टू वर्क इन यूएस यूके ऑस्ट्रेलिया वो कहीं पर भी जा रहा है जॉब करने के लिए या फिर अपना बिजनेस या प्रोफेशन करने के लिए भी तो यहां पर एम्प्लॉयमेंट से मतलब है वेदर ही इज गोइंग फॉर अ जॉब और वेदर ही इज गोइंग फॉर अ बिजनेस और प्रोफेशन अगर वो इंडिया छोड़कर जा रहा है कौन होना चाहिए वो इंडियन सिटीजन इंडियन सिटीजन हो इंडिया छोड़कर जा रहा हो क्योंकि अब वो अपना ऑक्यूपेशन बाहर करेगा तो उस केस में हम 182 डेज लेंगे 60 डेज वाली कंडीशन नहीं लगेगी ठीक है दूसरी एक्सेप्शन है अगर वो इंडियन सिटीजन है और क्रू मेंबर है ऑफ इंडियन शिप जो शिप पे काम करते हैं उन लोगों को क्रू मेंबर बोलते हैं इफ दैट इंडिविजुअल इज एन इंडियन सिटीजन एंड ही इज अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियनशिप तो उन लोगों के लिए भी हम वन एटी टू डेज ही देखते हैं और थर्ड है ये इंपॉर्टेंट है यहां पर चेंजेस भी आए हैं थर्ड है इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन होता है पी आईओ पी आईओ इज अ पर्सन हुज पेरेंट्स और इधर ऑफ इज ग्रैंड पेरेंट्स वर बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया मतलब जब पाकिस्तान और बांग्लादेश डिवाइड नहीं हुए थे तो में, अगर ग्रैंड पेरेंट्स का बर्थ होता है तो ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं ठीक है हिंदी में कहते हैं कि उसका मूल आ, इंडिया से है ठीक है पूरा क्या कहते हैं पता नहीं बट यूरस्टैंड पी आईओ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन तो इनकेस द पर्सन इज एन इंडियन सिटीजन और जनरली इंडिया के बाहर रहते हैं।, जो जनरली इंडिया के करते हैं इंडिया के बाहर ही रहते हैं इंडिया के बाहर ही उनका बिजनेस प्रोफेशन है बट वो इंडिया विजिट करने के लिए आते हैं इंडिया आते हैं ठीक है वो लोग इंडिया आते हैं मिलने के लिए रिश्तेदारों से विजिट करने के लिए और भी दूसरे काम से बट जनरली ये लोग बाहर रहते हैं तो इन लोगों के लिए भी इन लोगों के लिए भी 182 डेज ही देखा जाता है 60 डेज नहीं देखा जाता ठीक है बट यहां पर एक इंपॉर्टेंट चेंज आया है कि अब से 182 एट्टी डेज सिर्फ उन लोगों के लिए देखा जाएगा जिनकी टोटल इनकम ध्यान दीजिएगा जिनकी टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा नहीं है

ठीक है अभी के लिए को एक रिविजन के लिए समझ लीजिएगा कि आ, जो लोग हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है जिनकी अच्छी खासी इनकम है उन लोगों के लिए अमेंडमेंट आई है तो जिनकी ज्यादा इनकम नहीं है उनके लिए कोई अमेंडमेंट नहीं आई है तो ये ज्यादा और कम के लिए पैरामीटर क्या बनाया गया 15 लाख ,00 जिसकी 15 लाख ,00 से ज्यादा इनकम है उन लोगों के लिए स्पेशल प्रोविजन आ गए हैं ठीक है फिफ्टीन लाख ,00 तक जिनकी इनकम है अपटू फिफ्टीन लाख तक जिन लोगों की इनकम है उनके लिए अभी पुराने ही प्रोविजन चलेंगे ठीक है और ये 15 लाख ,00 कौन सी इनकम देखनी है आपकी टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्सेज अदर देन फॉरेन सोर्स अगर आपकी कोई फॉरेन सोर्स से इनकम आती है उसको नहीं कंसिडर करना जब आप फिफ्टीन लाख ,00 काउंट करेंगे तो बेसिकली हमें अपनी इंडियन इनकम देखनी है ठीक है लिखा हुआ है साफ साफ अदर देन फॉरेन सोर्सेज अदर देन फॉरेन सोर्सेज ठीक है फॉरेन सोर्सेज का मतलब क्या होता है जो इनकम इंडिया के बाहर अराइज होती है उसको कहते हैं कि ये फॉरेन सोर्स की इनकम है तो प्लीज उसको कंसिडर मत कीजिएगा यू आर काउंटिंग दिस लाख, ठीक है? तो जो इनकम इंडिया के बाहर अराइज होती है उसको हम कहते हैं फॉरेन सोर्स से इनकम बट फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम को डिफाइन किया गया है जो इनकम इंडिया के बाहर अराइज होती है बट अगर वो कंट्रोल होती है इंडिया से अगर वो बिजनेस कंट्रोल होता है इंडिया से या प्रोफेशन सेटअप है इंडिया में तो उसको फॉरेन सोर्स की इनकम नहीं माना गया है ठीक है एक बार मैं लिखकर बताऊं आपको इसको ठीक क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम यहां पर लगाऊंगा सबसे पहले आपको मिल भी जाएगा अपने चार्ट में इनकम फ्रॉम फॉरन सोर्सेज किसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम फॉरन सोर्सेस मीन इनकम विच अक्रूज और अराइज आउटसाइड इंडिया जो इंडिया के बाहर अराइज होती है बट इट डज नॉट इंक्लूड ठीक है उसमें बट फॉरन सोर्स में इंक्लूड मत करना इनकम फ्रॉम बिजनेस या प्रोफेशन विच इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया उसको आप इंक्लूड मत करिएगा फॉरन सोर्स की इनकम में जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यह इंडिया ठीक है यहां पर फॉर एग्जाम्पल यूएसए ठीक है यूएसए लेट से देर इज सम इनकम यहां पर कोई ना यूएस में कोई इनकम है इनकम नंबर वन ठीक है ये हमारा कोई बिजनेस यूएस में ही चल रहा है इनकम आती है इनकम नंबर वन कुछ भी अमाउंट की ठीक है ये इनकम ये बिजनेस यूएस में ही है और इंडिया से ये कंट्रोल भी नहीं होता ठीक है इंडिया से इसका कोई कनेक्शन नहीं है इंडिया से कोई कंट्रोल नहीं होता है बिजनेस या प्रोफेशन ये कोई इंडिया को सेटअप नहीं हुआ था ये प्योरली यूएस बेस्ड इनकम है तो दिस इनकम विल बी कॉल्ड ऐसी इनकम को तो हम फॉरेन सोर्स की इनकम मानते हैं दिस इज इनकम फ्रॉम बट लेट से यूएस में ही आपकी एक और इनकम आती है इनकम नंबर टू कहां पर अराइज हो रही है यूएस में ठीक है यूएस में ही अराइज हो रही है ठीक है मैंने इंडिया में इनकम नहीं बनाई है दिस इज इन यूएस बट इसको कंट्रोल ये जो बिजनेस है आई टू एक्चुअली ये कंट्रोल इंडिया से होता है ये प्रोफेशन ये है जो सेटअप इंडिया में हुआ था बट ऑल दो हमने यहां पर अपना ऑफिस यहां पर भी ओपन किया हुआ है हम यूएस क्लाइंट्स को सर्व करते हैं बट दिस इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया ये इंडिया से कंट्रोल होता है मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं इन्फोसिस ठीक है इन्फोसिस इज एन इंडियन कंपनी कंट्रोल फ्रॉम इंडिया बट इन्फोसिस के ऑफिस यूएस में भी है ठीक है तो अगर आपकी ऐसी इनकम आ रही है ठीक है फॉर एग्जाम्पल आपकी ऐसी इनकम आ रही है तो दिस इनकम इज नॉट कंसिडर्ड एज फॉरन सोर्स इसको फॉरन सोर्स की इनकम नहीं माना गया ऑल दो ये यूएस में अराइज हो रही है बट इट इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया तो इसको फॉरेन सोर्स नहीं माना गया है इसका मतलब आप ऐसी इनकम को अपनी 15 लाख की लिमिट में काउंट करेंगे बिकॉज हमें 15 लाख में क्या काउंट करना है हमारी टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स तो हमारी दिस इनकम तो फॉरेन सोर्स की थी इसको तो काउंट नहीं करेंगे आप 15 लाख की लिमिट में बट इस इनकम को काउंट करेंगे बिकॉज ऑल्सो इट इज अराइजिंग इन यूएस बट इट इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया ठीक है इसको 15 लाख की लिमिट में काउंट करना है और इसी को लेकर ही अमेंडमेंट लाई गई है क्योंकि काफी सारे ऐसे लोग थे जो अपना नंबर ऑफ स्टे इस तरीके से प्लान करते थे कि 182 उनका बनता नहीं था 180 181 बनता था और इनका बाहर बिजनेस चल रहा है पर इंडिया से कंट्रोल कर रहे थे तो ऐसे लोगों के लिए अमेंडमेंट लाई गई थी कि आप लोगों को भी हम रेजिडेंट मानेंगे ठीक है सबको समझ में आ गया ये इंपॉर्टेंट बात थी कि फॉरन सोर्स की इनकम क्या होती है आई एम एक्सपेक्टिंग कि इसमें से क्वेश्चन आना चाहिए आपको ओके okay. एक बार जल्दी से फिर रिवाइज करते हैं नॉर्मली किसी भी इंडिविजुअल का रेसिडेंसियल स्टेटस चेक करने के लिए दो बेसिक कंडीशन प्रीवियस ईयर में डेज और लास्ट फोर ईयर में थ्री डेज बट तीन लोगों के लिए सिक्सटी नहीं देखना है वन एटी टू ही देखना है मतलब एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि फर्स्ट कंडीशन ही देखनी है कौन कौन लोग हैं ये इंडियन सिटीजन हु इज लिविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड जो एम्प्लॉयमेंट करने के लिए बाहर जा रहे हैं ठीक है उन लोगों के लिए इंप्लॉयमेंट मतलब इंप्लॉयमेंट या जॉब या फिर बिजनेस या प्रोफेशन करने के लिए बाहर जा रहे हैं उन लोगों के लिए 182 देखना है क्रू मेंबर ऑफ इंडियन इंडियन शिप होने चाहिए ये और थर्ड देखो इंडियन सिटीजन इंडियन सिटीजन इंडियन सिटीजन तीनों में कॉमन है ठीक है तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको क्वेश्चन uh, आ जाता है कि एक यूएस सिटीजन था ठीक है और वो इंडिया के बाहर जा रहा है इंप्लॉयमेंट करने के लिए या इंडिया के बाहर से आता है तो क्या आप उस एक्सेप्शन में उसको लेकर थर्ड केस में यहां पर पी भी आया देखो इन दोनों केसेस में इट इज ओनली इंडियन सिटीजन बट यहां पर इंडियन सिटीजन प्लस पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो जनरली इंडिया के बाहर रहते हैं बट इंडिया विजिट करने आ जाते हैं इन लोगों के लिए भी 182 एटी टू डेज ही देखेगा बट प्रोवाइडेड देयर टोटल इनकम अदर देन फॉर सोर्स 15 लाख को एक्सीड ना करें अगर 15 लाख को एक्सीड करती है तो फिर उनके लिए फिर स्पेशल प्रोविजन बन जाएंगे ठीक है उनकी डिटर्मिनेशन फिर अलग तरीके से निकलती है ठीक है उनके लिए अब सिक्सटी ना करके यहां पर 120 भी कर दिया उनके लिए दोनों कंडीशन हो गई है बट सेकेंड वाली कंडीशन में वन डेज आ गए हैं ठीक है चलिए मैं साथ साथ में ना 15 लाख से ऊपर वाला भी पढ़ा देता हूं यहां पर स्पेशल प्रोविजन किसके लिए देखिए बिल्कुल सेम ऐसी बातें लिखी रहेंगी बट लिखा होगा 15 लाख से ज्यादा इनकम आई है इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरेशन बींग आउटसाइड इंडिया ठीक है जो जनरली इंडिया के बाहर रहते हैं बट कम्स टू इंडिया ठीक है वो इंडिया आते हैं विजिट करने के लिए जिनकी टोटल इनकम एक्सीड करती है पंद्रह लाख से ज्यादा तो इन लोगों के लिए अमेंडमेंट आई है, जिनकी अच्छी है। क्या रखा गया? तो इफ योर टोटल इनकम टोटल इनकम कौन सी देखनी है? की की मत देखना की -1, मत जो इंडिया में आती है वो देखिएगा और साथ साथ में आई टू जैसी इनकम देखिएगा जो एक्चुअली बाहर अराइज तो होती है बट कंट्रोल होती है इंडिया से दिस इज आल्सो अदर देन सोर्स इसको कंसीडर करिएगा ठीक है जो इंडिया में अराइज होती है वो तो ऑब्वियसली कंसिडर की जाएंगी बट फॉरन सोर्स की इनकम मत देखेगा फॉरन सोर्स का मतलब जिसका इंडिया से कोई कनेक्शन ना हो बाहर से बाहर ही इनकम हो रही है इंडिया से कोई कंट्रोल नहीं होती कोई इंडिया से प्रोफेशन इंडिया में सेटअप नहीं था आई होप यू आर गेटिंग दिस ओके अच्छा इन लोगों के लिए क्या देखना है ठीक है इनकी बेसिक कंडीशन क्या है फर्स्ट बेसिक कंडीशन तो सेम है 182 डेज 182 डेज इन लोगों के लिए पहले वाले लोगों के लिए तो हम सिर्फ 182 डेज़ी देखते थे, बट अब इन लोगों के लिए हम जिनकी 15 लाख ,00 से ज्यादा इनकम है हम आपका 120 ट्वेंटी डेज भी देखेंगे ठीक है तो इनका प्रीवियस ईयर में स्टे वन डेज भी देखेंगे और ड्यूरिंग लास्ट फोर ईयर थ्री डेज प्लस है यहां पर तो बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम कंडीशन है बट सेकेंड कंडीशन में जहां पर सिक्सटी था इन लोगों के लिए वन ट्वेंटी कर दिया गया है ठीक है इसका मतलब अब इन लोगों को 120 अगर इनको नॉन रेसिडेंट बनना है अगर इन लोगों को नॉन रेसिडेंट बनना है तो इन लोगों को अपना स्टे 120 से कम रखना पड़ेगा ठीक है ओके कमिंग बैक अब ये ऑर्डिनरी होंगे या नॉट ऑर्डिनरी होंगे तो पहले मैं नॉर्मल लोगों के लिए बार फटा देता हूं फिर मैं उसके लिए आ जाता हूं ठीक है क्योंकि ये वाली ये वाली बातें डिस्कस हो रही थी दैट इज द रीजन कि मैं यहां पर आ गया था कि मैं आपको नया प्रोविजन भी इंट्रोड्यूस करा ओके एडिशनल कंडीशन टू चेक ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी नॉर्मल लोगों के लिए नॉर्मल लोगों के लिए आप कैसे चेक करोगे कि एक बार ये चेक कर लिया कि वो रेसिडेंट हो गए सो वंस दे बिकम रेसिडेंट फर्दर ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट तो वो ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी कैसे बनेंगे वी है कि इनका पिछले सात साल में लास्ट सेवन ईयर लास्ट सेवन ईयर मतलब कौन सा जो आपका रिलेवेंट प्रीवियस ईयर है जिस इयर के लिए आप डिटरमाइन कर रहे हैं उससे पहले के सात साल ठीक है तो लास्ट सेवन ईयर्स प्रिसीडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस इयर पिछले सात साल में प्रिसीडिंग द सौ तीस दिन पिछले सात साल में ठीक है प्रीवियस ईयर से पहले के सात साल में सेवन थर्टी डेज और मोर आपका स्टे होना चाहिए प्लस सात सात में पिछले दस साल में से किसी भी दो साल में आप रेसिडेंट होने चाहिए ठीक है पिछले दस साल पिछले दस साल कौन से देखने से पहले के दस साल तो प्रीवियस 2021 2021 तो तो दस साल तो पहले के आप साल देखेगा ठीक है यानी कि 19, और इससे पहले के दस साल ठीक है तो टेन में से कम से कम दो साल में सिर्फ रेसिडेंट हो ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी सिर्फ रेसिडेंट यानी कि पिछले दस साल में से किसी भी दो साल के लिए हमारी कोई भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड करनी चाहिए बेसिक बेसिक कंडीशन जस्ट रेसिडेंट बोला गया ओके एडिशनल कंडीशन ये कहती हैं कि अगर आप इन दोनों कंडीशन को सैटिस्फाई कर देते हैं देखिए मैंने प्लस लगाया है बीच में दोनों एंड ठीक है एंड है ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होंगी तो आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाए जाएंगे ठीक है दोबारा से रिपीट कर रहा हूं नॉर्मल लोगों के लिए बातें कर रहा हूं अगर पिछले सात साल का प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर प्रीवियस ईयर से पहले के सात साल का स्टे सेवन थर्टी डेज और मोर है प्लस दस साल में से किसी भी दो साल में अगर इंडिविजुअल रेसिडेंट आ गया तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं इफ बोथ द कंडीशन आर सेटिस्फाइड तो हम इनको बोलेंगे ऑर्डिनरी रेसिडेंट ठीक है आप एक ऑर्डिनरी रेसिडेंट हैं बट इन केस सिर्फ एक ही कंडीशन सेटिसफाई हो पाई ठीक है ओनली वन ठीक है सिर्फ एक हो पाई या फिर दोनों ही नहीं हो पाई तो अगर दोनों कंडीशन सेटिस नहीं हो पाती हैं तो वी विल से दैट पर्सन इज अ नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट ठीक है सो इफ बोथ द अब कंडीशन आर सेटिस्फाइड बोध द अब मतलब दिस वन आल्सो दिस वन आल्सो तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट अदरवाइज तो हम बोलेंगे नॉट ऑर्डिनरी है ठीक है समझ में आ गया और इन लोगों के लिए

इन लोगों के लिए ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी कैसे देखेंगे क्या पिछले सात साल देखना है दस में से दो साल देखना है नहीं इन लोगों के लिए एडिशनल कंडीशन में भी चेंज है इनकी एडिशनल कंडीशंस कैसे होंगी देखो कम से कम ये रेसिडेंट बनते हैं कोई भी इंडिविजुअल uh, कोई भी इंडिविजुअल पहले वो रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट आता है एंड वंस बिकम रेसिडेंट उसके बाद हम ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी देखते हैं ordinary resident, not ordinary resident. ठीक है? So once he become resident, मेरा यहां पर emphasis है है, मेरा पर कि जब वो resident बन जाता है, तब हम देखते हैं वो है है। या not ordinary है। तो प्लीज मुझे बताइए ऐसे लोग जिनकी इनकम पंद्रह लाख से ज्यादा थी अदर देन फॉरन ये रेसिडेंट कब बने एक दिन का स्टे तो कम से कम होना ही चाहिए तो 120 दिन का तो स्टे होना ही चाहिए तभी ये रेसिडेंट बने अब देखेंगे ऑर्डिनरी है या नॉट ऑर्डिनरी है तो बोला गया कि अगर आपका स्टे 120 दिन से तो ज्यादा हो गई 120 दिन या उससे ज्यादा तो हो गई आपका स्टे बट अगर 181 डेज तक है आपका स्टे सिर्फ 120 डेज से तो ज्यादा ही होगा 120 और मोर होगा ही होगा बट अगर आपका स्टे 181 तक है मतलब लेस देन 182 है तो आप नॉट ऑर्डिनरी हैं और अगर आपका 182 डेज और मोर स्टे चला जाता है तो आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाएंगे ठीक है सबको समझ में आ रहा है मतलब ज्यादा नंबर ऑफ डेज आ जाते हैं तो ये ऑर्डिनरी बन जाएंगे ज्यादा नहीं आ पाते तो नॉट ऑर्डिनरी रहेंगे तो सिर्फ इनके लिए पिछले सात साल वगैरह कुछ भी नहीं देखना है इन लोगों के लिए देखना है प्रीवियस ईयर में स्टे अगर वन एटी टू डेज और मोर है मतलब अच्छा खासा स्टे है तो ऑर्डिनरी 182 डेज मतलब छह महीने लगभग पर प्लीज छह महीने की तरह याद मत कीजिएगा डेज में ही याद कीजिएगा 182 डेज और मोर है तो ऑर्डिनरी बट वन एटी टू डेज से कम है मतलब वन एटी वन या उससे कम है एक सौ बीस तो होगा ही ना पक्का क्योंकि रेसिडेंट आए हैं तभी तो ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी की बातें हो रही हैं तो अगर आपका स्टे वन एटी टू डेज या उससे ज्यादा है बट वन एटी सॉरी वन ट्वेंटी डेज और उससे ज्यादा है और वन एटी टू डेज से कम है मतलब 120 से लेकर 181 अगर नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे है तो आप बनेंगे नॉट ऑर्डिनरी मतलब ज्यादा स्टे नहीं है आपका लगभग ऐसे समझ लीजिए छह महीने से ज्यादा स्टे है नहीं आपका छह महीने से कम ही कम है तो आप नॉट ऑर्डिनरी बनेंगे क्लियर हो गया ये बातें ठीक है दोनों रेसिडेंस स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल समझ में आ गए एक और सेक्शन इंसर्ट किया गया इंडिविजुअल के लिए ही ऐसे लोगों के लिए ठीक है इसको हम इनको हम लोग स्टेटलेस स्टेटलेस पर्सन बोलते हैं स्टेटलेस पर्सन का मतलब होता है कि ऐसे लोग किसी भी कंट्री में टैक्स नहीं देते मतलब ये अपना प्लानिंग इस तरीके से इस तरीके से करते हैं कि अपना नंबर ऑफ डेज किसी भी कंट्री में इनका टैक्स नहीं लगता है ठीक है तो ऐसे लोगों के लिए जो किसी भी कंट्री में या किसी भी टेरिटरी में टैक्स के लायबल नहीं है इनका ये इनका अपना स्टे या अपना डोमिसाइल इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि किसी भी कंट्री में इनका टैक्स नहीं बनता है तो यहां पर भी ऐसे लोगों को भी इंडियन गवर्नमेंट ने पकड़ा तो इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आपकी इनकम पंद्रह लाख से ज्यादा है अदर देन फॉरन सोर्स अदर देन फॉरन सोर्स मतलब इंडियन इनकम मेनली ठीक है अगर आपकी इनकम अदर देन फॉरन सोर्सेस पंद्रह लाख से ज्यादा है अगर आप इंडिया आए भी नहीं है ना तो भी हम आपको डीम्ड रेसिडेंट बोल देंगे और इन लोगों को हमेशा नॉन ऑर्डिनरी बोला गया नॉन ऑर्डिनरी बोला गया तो साफ साफ सिंपल प्रोविजन ये आया कि अगर कोई इंडियन सिटीजन है

स्वर्स ऑफ इंडिविजुअल के बारे में हमने बातें की हैं अब छोटी छोटी बातें बची हैं एच यू एफ के लिए एच यू एफ का रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करने के लिए ये देखना पड़ता है कि वो एच यू एफ कहा से कंट्रोल हो रही है अगर वो इंडिया से कोई कनेक्शन नहीं है इंडिया के बाहर से ही कंट्रोल होते हैं हंड्रेड परसेंट सारे डिसीजन एच के इंडिया के बाहर से ही लिए जाते हैं उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट हंड्रेड परसेंट इंडिया के बाहर है तो वी विल कॉल दैट एच यू एफ एज बट अगर आपका थोड़ा सा भी कंट्रोल इवन वन परसेंट वी कंट्रोल अगर इंडिया से है वी विल कॉल यू दिस एच यू एफ एस रेसिडेंट तो लिखा हुआ है साफ साफ अगर कंट्रोल और मैनेजमेंट हंड्रेड परसेंट आउटसाइड इंडिया हंड्रेड परसेंट आउटसाइड इंडिया है तो नॉन रेसिडेंट अगर थोड़ा सा भी इंडिया में है तो रेसिडेंट हो जाएंगे अब एच यू एफ एक बार रेसिडेंट होते हैं तो हम फिर चेक करते हैं ऑर्डिनरी है या नॉट ऑर्डिनरी है ठीक है तो ये ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी कैसे किया चेक किया जाता है क्योंकि नंबर ऑफ डेज देखने वहां पर तो और के नंबर ऑफ ऑफ डेज स्टे कैसे देखेंगे उनके हेड ऑफ द फैमिली मतलब जो करता है द द हेड ऑफ फैमिली उनके ऊपर हम एडिशनल कंडीशंस लगाकर देखेंगे तो एडिशनल कंडीशंस क्या थी पिछले सात साल में से सात सौ तीस दिन पिछले दस साल में से कम से कम दो साल ठीक है तो इनका ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी चेक करने के लिए

नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट ठीक है तो उसके लिए हम उसके जो हेड ऑफ फैमिली है सात सौ तीस या दस में से दो साल ठीक है so चलती है पार्टनरशिप फर्म का रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करने के लिए या एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन का बीओ आई का तीनों के लिए सेम प्रोविजन है और आपको पता है कि असेसी रेसिडेंट होता है या नॉन रेसिडेंट होता है उसके बाद रेसिडेंट के बाद ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी सिर्फ दो केसेस में होते हैं इंडिविजुअल और एच फर्म के लिए एओपी बीओ कंपनी किसी भी और असेसी के लिए हम फिर ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी जैसी कोई चीजें नहीं होती देर इज ओनली टू थिंग्स रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट सबको समझ में आ गया अगर असेसी इंडिविजुअल है या एच है तो उनके लिए तो हम ऑर्डिनरी रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट तक देखते हैं बट बाकी लोगों के लिए हम जस्ट रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट बोलते हैं नीचे वाली जो डिटेल है ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी उनके लिए होती ही नहीं है ठीक है तो एक पार्टनरशिप फॉर्म एओपी बीओ कब रेसिडेंट बनते हैं बिल्कुल सेम प्रोविजन है एच जैसे अगर इनका 100 परसेंट कंट्रोल इंडिया के बाहर है 100 परसेंट कंट्रोल और मैनेजमेंट इंडिया के बाहर है तो नॉन रेसिडेंट थोड़ा सा भी इंडिया में है तो रेसिडेंट ठीक है तो इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज हंड्रेड परसेंट आउटसाइड इंडिया देन नॉन रेसिडेंट अदरवाइज रेसिडेंट फिर है रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी कंपनी के लिए कैसे चेक करेंगे सर फर्म और एओपी का तो ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डनरी देखा ही नहीं अरे देखना ही नहीं उनका उनका सिर्फ रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट ही देखना है ओके okay. कंपनी के लिए कंपनी कब रेसिडेंट बन जाती है कंपनी कब रेसिडेंट बन जाती है तो इसके लिए भी बहुत आसान है अगर कोई भी इंडियन कंपनी है ठीक है इफ देर इज एनी इंडियन कंपनी वो हमेशा रेसिडेंट ही कहलाई जाएगी सो इंडियन कंपनीज ऑल इंडियन कंपनीज आर रेसिडेंट बट अगर कोई कंपनी इंडियन कंपनी नहीं है बट उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट पी एम प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट अगर इंडिया में हो पी ओई एम अगर उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में हो तो भी हम उसको रेसिडेंट ही बोलते हैं सो so, कंपनी के बारे में ऑल इंडियन कंपनीज आर रेसिडेंट या फिर अगर इंडियन कंपनी नहीं है मतलब फॉरन कंपनी है बट उसका POEM एम प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेज प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट जनरली उसके मैनेजमेंट इंडिया में effective, effective का मतलब क्या होता है कि सिग्निफिकेंटली से लिए जाते हैं तो ठीक है ओके नेक्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का स्कोप ऑफ टोटल इनकम स्कोप ऑफ टोटल इनकम का मतलब यह होता है कि जितनी भी हमारी टोटल इनकम आई है क्या इंडियन गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्स लगाती है या उसको बोलती है नहीं इसको हम टैक्स नहीं लगाएंगे अब डिपेंड करता है किस इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा हमारे रेसिडेंशियल स्टेटस पर डिपेंड करेगा सो इट डिपेंड्स अपॉन वंस रेसिडेंशियल स्टेटस दैट वेदर वी हैव टू पे टैक्स ऑन दैट पर्टिकुलर इनकम और वी ठीक है तो

रेसिडेंट है बट नॉन ऑर्डिनरी ये हैं रेसिडेंट है ऑर्डिनरी ठीक है ऑर्डिनरी रेसिडेंट आर ओ आर और आर एनओ आर और एनआर क्या होता है नॉन रेसिडेंट ओके तो इतना हम सब लोग जानते हैं कोई भी इनकम इंडिया में अराइज होती है डीम टू अराइज इन इंडिया होती है ठीक है कोई भी इनकम इंडिया में अराइज होती, in होती, होती है उस वो तो हर कोई टैक्स देता है वेदर रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो तो यहां पर तो यस यस येस आ रहा है जो भी इनकम इंडिया में अराइज हो रही है जो भी इनकम इंडिया में अराइज हो रही है डीम टू अराइज हो रही है दैट इज टैक्सेबल इन इंडिया नॉन रेसिडेंट भी उसके ऊपर टैक्स देता है बिकॉज द इनकम इज गेटिंग अराइज इन इंडिया दूसरी बात जो इनकम इंडिया में रिसीव होती है अराइज नहीं हुई बट डायरेक्टली रिसीव होती है इंडिया में फर्स्ट टाइम जब रिसीव होती है तो दैट इज कॉल्ड रिसीव ठीक है अगर वो रिसीव हो रहा है रेमिटेंस नहीं रेमिटेंस का मतलब क्या होता है कि ऑलरेडी कहीं और रिसीव हो चुकी है उसके बाद इंडिया में लाई जा रही है वो इनकम बट रिसीव का मतलब क्या होता है जब सोर्स आपको पहली बार जब इनकम देता है तो आपको पहली बार वो कहां पर रिसीव होती है फर्स्ट टाइम वेयर यू आर रिसीविंग दैट पर्टिकुलर इनकम इज कॉल्ड रिसीव्ड तो आई अंडरस्टैंड आई बिलीव कि आपको पता है इज अ डिफरेंस बिटवीन रिसीव एंड रेमिटेंस ठीक है तो जो भी इनकम इंडिया में रिसीव होती है या डीम टू रिसीव इन इंडिया है उसके ऊपर भी हर कोई टैक्स देगा चाहे वो रेसिडेंट हो या फिर वो नॉन रेसिडेंट हो ठीक है तो टू सम अप इनकम अराइज हो रही है इंडिया में या डीम टू अराइज हो रही है रिसीव हो रही है डीम टू तो रिसीव हो रही है एवरीबडी हैजू पे टैक्स ऐसी इनकम के ऊपर तो इंडियन गवर्नमेंट का हक है वो कह सकती है कि आपको टैक्स पे करना है बट ऐसी इनकम जो इंडिया में अराइज नहीं हो रही है ना ही रिसीव हो रही है ठीक है फॉर एग्जाम्पल अगर ऑस्ट्रेलिया में ही इनकम अराइज हुई ऑस्ट्रेलिया में रिसीव होती है तो क्या हमें टैक्स देना पड़ेगा तो डिपेंड करता है अगर आप एक ऑर्डिनरी रेसिडेंट हैं तो वी अंडरस्टैंड आपकी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है तो इन केस ऐसी इनकम जो इंडिया में अराइज ही नहीं हुई इंडिया में रिसीव नहीं हुई आउटसाइड इंडिया ही अराइज हुई आउटसाइड इंडिया ही रिसीव हुई तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट तो कि तो ग्लोबल इनकम टैक्स होती है द आंसर इज यस नॉन रेसिडेंट बोलेगा सर मैं क्यों टैक्स दूंगा एक तो मैं वैसे ही नॉन रेसिडेंट हूं इंडिया से इस इनकम का कोई कनेक्शन नहीं है तो मैं तो टैक्स दूंगा नहीं तो आंसर इज ठीक है भाई उनसे हम टैक्स नहीं लेंगे नॉन रेसिडेंट से नॉट ऑर्डिनरी से ठीक है अब ये देखो इसको हम बोलेंगे कि बॉस आप रेसिडेंट तो हो बट ये कहेगा सर नॉट ऑर्डिनरी हूं मैं ठीक है मतलब ज्यादा थोड़ा थोड़ा ही मैं बहुत थोड़ा थोड़ा सा ही इंडियन लगता हूं वैसे तो मैं फॉरनर ही हूं ठीक मतलब है मतलब रेसिडेंट है नॉट ऑर्डिनरी है तो क्या हम इसको इसकी इनकम पर ऐसी इनकम के ऊपर टैक्स लेंगे इससे तो डिपेंड करता है अगर ऐसी इनकम इंडिया से कंट्रोल होती है ठीक है अगर ऐसी इनकम इंडिया से कंट्रोल होती है तो हम इससे टैक्स ले लेंगे बट अगर ऐसी इनकम इंडिया से कंट्रोल नहीं होती है तो हम इनसे टैक्स नहीं लेंगे ठीक है दोबारा से रिपीट कर रहा हूं दिस पर्सन इज एन नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट जो भी इनकम इंडिया में अराइज होगी रिसीव होगी उस पर तो कोई टेंशन ही नहीं है हर कोई टैक्स देगा बट अगर इनकम इंडिया में अराइज नहीं हुई इंडिया में रिसीव नहीं हुई तो हम नॉट ऑर्डिनरी से टैक्स ले सकते हैं अगर वो इनकम इंडिया से कंट्रोल होता है वो बिजनेस या प्रोफेशन वो इंडिया में सेटअप था बट अगर इंडिया से उसका कोई कनेक्शन नहीं है तो हम टैक्स नहीं लेते हैं सो दिस वॉज This uh, summary of this chapter, okay, residential status and scope of total income. Okay, so let's meet in our, our another lecture. Thank you so much. Bye and take care.